हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा नॉलेज चैनल। आज के इस संविधान के सेशन में हम लोग विधान परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चले, प्रथम प्रश्न है, राज्य विधान मंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा? ध्यान रखें, विधान परिषद। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, 169 में, 168 में या फिर 167 में, 67। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद? राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखें यहाँ स्वीकृति या संस्तुति होगा, संस्तुति, संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा? सही उत्तर है सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कुल सदस्यों का 1/10, 1/8, 1/7 या फिर 1/6? एक बटा छ, कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषदों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। संरचना से संबंधित अनुच्छेद है 171। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी? 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4? ध्यान रखें, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी विधान जो परिषद के सदस्य हैं। नेक्स्ट, किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में डैश से कम नहीं हो सकती, 60, 40, 75 या 100? 40, 40 से कम नहीं हो सकती, यानी विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, हालांकि इसके भी अपवाद हैं। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर कितने सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 2/3, 1/4 या 3/4? 1/3, 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? 30 वर्ष, बिल्कुल केंद्र के जैसा है, यानी केंद्र में राज्यसभा में 30 तो विधान परिषद में 30, केंद्र में लोकसभा में 25 तो विधान सभा में 25। नेक्स्ट, विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को,
राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उपसभापति को। विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र सभा के उपसभापति को देते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद का गणपूर्ति कितना है? 1/10, 2/5, 1/5, 2/9। ध्यान रखिए संविधान में गणपूर्ति रखा गया है 1/10। नेक्स्ट, विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक कर रख सकता है? 14 दिन, 6 मास, 2 मास या 3 मास। साधारण विधेयक को 3 मास तक रोक कर रख सकता है। नेक्स्ट, विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक कर रख सकता है? 14 दिन, 6 मास, 2 मास या 3 मास। 14 दिन, ध्यान रखें अगर धन विधेयक हो तो 14 दिन, अगर साधारण विधेयक हो तो ऊपर देखे हैं 3 मास, 3 महीने तक रोक कर रख सकता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष? 6 वर्ष, 6 वर्ष होती है सदस्यता अवधि। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।